नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हाल में भारत और जो चीन के बीच में पुनः सीमा विवाद हो रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर चीन भारत को उकसा रहा है और अतिक्रमण कर रहा है सीमाओं पर, तो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि भारत और चीन के बीच में जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और इस सीमा रेखा का निर्धारण मैकमोहन रेखा के माध्यम से किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, चीन इस रेखा को नहीं मानता है। तो प्रमुख रूप से कहां कहां विवाद चल रहे हैं वो देखते हैं। तो इस समय जो विवाद चल रहे हैं वो प्रमुख रूप से तीन जगह चल रहे हैं। पहला विवाद जो है वो लद्दाख एरिया की जो पैगोंग त्सो लेक है उस क्षेत्र में है। दूसरा विवाद है सिक्किम के नाकुला पास एरिया में, वहाँ पे चल रहा है विवाद। और तीसरा प्रमुख रूप से जो विवाद या अतिक्रमण चाइना की तरफ से किया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अब तीनों को विस्तार से समझते हैं। तो पहली चीज ये है कि जो लद्दाख एरिया की पैगोंग त्सो झील है वो 134 किलोमीटर लंबी है और इसका 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में है और 90 किलोमीटर हिस्सा चाइना में। तो दोनों ही देश की आर्मी इस झील पर पेट्रोलिंग करती हैं और पेट्रोलिंग करते समय वो एक दूसरे के क्षेत्र के अतिक्रमण को भी कर देती हैं और इस क्षेत्र में चीनी और भारतीय सैनिक भी मौजूद हैं जो भी एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करते रहते हैं। और ये अतिक्रमण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिक्स सीमा का निर्धारण नहीं है। यहाँ पे वैसे सीमा है जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन इसे चाइना मानता नहीं है और वो अपने हिसाब से अपनी एक सीमा का निर्धारण उसने किया हुआ है। तो वो अक्सर इस क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं और भारतीय सैनिकों के साथ उनकी झड़प होती है। इसी तरह की स्थिति अभी हाल में जो बनी है वो सिक्किम में बनी है, नाकुला पास में, जहाँ पर चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण किया और फिर भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका। तीसरा जो प्रमुख विवाद है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत का ही एक भाग मानता है और जब भी कोई भारतीय मंत्री या दलाई लामा अगर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं तो वो अपना विरोध दर्ज कराता है। तो इस तरह से तीन ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर विवाद है और ये विवाद लंबे समय से चल रहा है और इनमें झड़पें भी होती रहती हैं। अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाल में ही जो विवाद ये हो रहा है, ताजा विवाद का कारण क्या है। तो ताजा विवाद का जो कारण है वो प्रमुख रूप से माना जा रहा है कोरोना की वजह से। देखिए, इस समय कोरोना संकट की वजह से चाइना, पूरे विश्व में चाइना की बहुत ही फजीहत हो रही है, बहुत उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे देश मांग कर रहे हैं कि वो वुहान में लैब की जांच करने दें और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे समय में चीन नहीं चाहता कि इन देशों के क्रम में भारत भी उनमें शामिल हो जाए जो चीन पर आरोप लगाए या चीन से बहुत सारी मांग करे। तो इससे पहले भारत कोई भी करे, कोई भी काम करे, भारत को प्रेशर में रखने के लिए ये नाकुला पास जो सिक्किम में है वहाँ पर और कई और जगहों पर सीमा पर ये इस तरह की झड़पों को, अतिक्रमण को आरंभ किया गया है। दूसरी चीज चीन जो कर रहा है इन दिनों, वो ये कर रहा है कि वो नेपाल को भी उकसा रहा है भारत के साथ विवाद करने के लिए। नेपाल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा काला पानी क्षेत्र को लेके और विभिन्न भारत के साथ विवाद धीरे धीरे आरंभ कर रहे हैं। वो भी भारत के विरोध में काफ़ी उनके मंत्री, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली निरंतर बयान दे रहे हैं। तो स्थिति इस समय ऐसी है कि चाइना किसी भी तरह से भारत को प्रेशर में रख के उसका ध्यान कोरोना या दूसरी चीज़ों से हटाना चाहता है और वो चाहता है कि इस समय भारत अपने आंतरिक चीज़ों में या सीमा संकट पे या सीमा अतिक्रमण में उलझ जाए और कोरोना से कोई भी चीन के खिलाफ कार्रवाई ना करने का बोले या ना करे। और ऐसी समय में भारत को क्या करना चाहिए? तो इसका सीधा सीधा एक ही तरीका है कि भारत को भी निश्चित तौर पर जो विभिन्न देश मांग कर रहे हैं, विभिन्न बड़े देश मांग कर रहे हैं, भारत को भी उनकी मांग के सामने शामिल होना चाहिए, जिसपे जो वो प्रेशर भारत पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत भी उस चाइना के ऊपर एक प्रेशर को क्रिएट करें।